सूचना जो है इस विश्वविद्यालय प्रशासन को दी है। पुलिस के प्रशासन के सामने, सिक्योरिटी के सामने हम जो है उस व्यक्ति को भी जिसने हिंसा यहाँ कराई है उनको आगाह करा दिया था कि व्यक्ति जो हिंसा के इंटेंशन से विश्वविद्यालय के अंदर आ रहा है और वो व्यक्ति आउटसाइडर जो है था उस बीच में। लेकिन उसके बाद ये होता है कि एक दिन हमें जो है विश्वविद्यालय के अंदर NEP के विरोध करते हुए जो कैबिनेट के द्वारा, प्रदेश कैबिनेट के द्वारा फैसला लिया जाता है कि प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा देने के लिए, निजीकरण को जो है बढ़ावा देने के लिए, निजी स्कूलों को बढ़ावा देने के लिए जो सरकारी स्कूलों को, प्राइमरी स्कूलों को बंद करने का एक फैसला जो है लिया गया और एक सेंट्रल जो है मॉडल स्कूल जो है खोलने की बात की गई 10 और 15 किलोमीटर की। तो हमने ये कहा कि इस वजह से जो है आज गाँव के अंदर जो RTE है, राइट टू एजुकेशन 2009 के अंदर जो आया, 2010 में जिसको इम्प्लीमेंट किया गया, जिसके जरिए एजुकेशन के एक्सेस को बढ़ाया जाना था, प्राइमरी एजुकेशन को बचाया जाना था और एजुकेशन के एक्सेस को बढ़ाना था, उसके जरिए आप जो है इस एजुकेशन के अंदर जो है स्कूलों को बंद करें, एजुकेशन की पहुंच को जो है एक तबके, हर एक तबके से दूर करने जा रहे हैं। वो तबका जो अपनी पढ़ाई जो है प्राइवेट स्कूलों के अंदर नहीं करा, जो महंगी फीस जो है अफोर्ड नहीं कर सकता है, जो आपका वो तबका जो आज हिमाचल की जियोग्राफी आप देख लीजिए इतने लंबे दूर तक जो है उन अपने बच्चों को नहीं पहुंचा सकता है, उसकी पहुंच के लिए उन प्राइमरी स्कूलों का होना ज़्यादा ज़रूरी है, एजुकेशन के एक्सेस के लिए जो है उन प्राइमरी स्कूलों का होना ज़रूरी है। उसको लेकर हमने मुख्यमंत्री का पुतला इस विश्वविद्यालय के अंदर जला, लेकिन वहां से जो है व्यक्ति द्वारा आर्गुमेंट किया जाता है जो सरकार का जो है एक सरकारी ऑर्गेनाइजर जो MSL है वो और साइड पर आता है और हमारे लोगों पर जो है हमला करने की कोशिश करता है उस बीच में और गाली गलौज करता है। लेकिन हमने उस दिन जो है सिक्योरिटी को चिताया था कि ये व्यक्ति जो है करने जा रहा है, तो 20 तारीख को वही व्यक्ति अपनी गाड़ी लेके हथियार जैसे भरी गाड़ी उसकी जो है विश्वविद्यालय के अंदर पहुँचती है, उसके साथ 2 साथी और उनके पहुँचते हैं और हमारे साथियों पर हमला करते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी हमें जो है पुलिस अरेस्ट करती है और हमें जो है 48 घंटों के लिए जो है कस्टडी के अंदर रखा जाता है, हमसे पूछताछ की जाती है, लेकिन दूसरी तरफ कोई भी कार्यवाही उसको लेकर नहीं होती है। लेकिन आज आप ये देखिए कि पूरी नेग्लिजेंस विश्वविद्यालय की सिक्योरिटी की थी, आपकी गाड़ी जो है कैंपस के अंदर एंटर कर रही है, वो गाड़ी एंटर कैसे कर रही है, उसके पास ना तो कोई कार्ड था ना उसके पास पास जो है इस विश्वविद्यालय के अंदर का था, लेकिन उसके बावजूद भी हथियार से भरी गाड़ी का कैंपस के अंदर आना और हमारे लोगों पर हमला होना, और वो जो सारी घटना हुई है, जो वीडियो वहाँ पहुँचा है, वो कोई ऑथेंटिक वीडियो नहीं है, किसी इंडिविजुअल के द्वारा बनाया गया वीडियो था और वो आज जो है अथॉरिटी के पास पहुँचा, जिसको आज इन्होंने साक्ष्य मानकर, आधार मानकर जो हमारी एक्सपल्शन की है, तो वो आधा अधूरा वीडियो है। और आपके पास विश्वविद्यालय के पास कोई ऐसा कैमरा नहीं है जहाँ से वो पता कर सके कि लड़ाई शुरू कहाँ से हुई है। सबसे पहले तो हमारे एक स्टूडेंट पर हमला हुआ है जिसके हमने जो है बाकायदा उनका फोटो जो है उसके अंदर दिया है और उनमें दिखाया हमने कि हमारे आज फोटो उसके अंदर लगा है। लेकिन आप कल की घटना को देख लीजिए, संसद के अंदर कल 2 व्यक्ति बाहर से आते हैं, वहाँ पर सांसदों ने खुद जो है संसद के अंदर उन व्यक्तियों को मारा, हमारे सामने वो वीडियो है। लेकिन वहाँ पर इसलिए अब आउटसाइडर कोई आपके पास आता है, हथियार से गाड़ी लेकर आती है, सांसद अगर कोई मार रहा है तो उस पर आपका एक्शन नहीं है, आप ये माने कि आप सांसद को निष्कासित कर दिए जी, कल आप संसद से जो सांसद आपके चुन के आए हैं उनको निष्कासित कर दीजिए कि कोई आउटसाइडर आया, बाहर से व्यक्ति आ रहा है आपके ऑडियंस के बीच से, वो आपके असेंबली के अंदर घुस गया, आपके वहाँ अगर हाथापाई हुई है अपने डिफेंस के लिए तो आप उनको क्या निष्कासित कर देंगे। एज इट इज यूनिवर्सिटी के अंदर यही हुआ कि बाहर से व्यक्ति आए अपनी गाड़ी के अंदर हथियार लेके आए और स्टूडेंट्स पर हमला किया जो यहाँ के एक्चुअल स्टूडेंट्स थे भी, और उसके बावजूद भी हमारे ऊपर ही कार्यवाही हो रही है, हमारे स्टूडेंट्स को ही एक्सपेल कर दिया गया, तो इस बात का SFI कंटिन्यूसली विरोध कर रही है। और दूसरा जो एक्सपेल्शन थी भी बिना किसी शो कॉज नोटिस के ऑर्डिनेंस को तार तार कर, ऑर्डिनेंस को ताक पर रखकर बिना किसी पक्ष जाने छात्रों के एक्सपेल कर दिया गया, उनका पक्ष जाने। उसके बाद जब हमने इसको लेकर रेजिस्टेंस शुरू की, उसके बाद हमारे पक्ष जानने के लिए हमें बुलाया गया, जो इन्वेस्टिगेशन जो कार्यवाही आपकी पहले होनी थी उसको आपने डिले कर दिया और आपने फैसला पहले सुना दिया, तो उसमें से अनेकों छात्र ऐसे हैं जो उस हिंसा के अंदर थे भी नहीं और जो छात्र थे भी उनके आज एग्जामिनेशन है। आज सबसे बड़ी मांग हमारी है कि आप उनको परीक्षा से दूर कर रहे हैं, उनकी परीक्षा अगर नहीं दे पाएंगे, परीक्षा फॉर्म अगर वो भर नहीं पाएंगे तो उनकी तो डिग्री खतरे में, उनका भविष्य खतरे में। आज वो यातनाएं झेल रहे हैं, घर से उन्हें जो है गालियां मिल रही है, आप समाज के अंदर उनकी जो है आपकी बेइज्जती हो रही है, आप यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट आप देख लीजिए उनको लेकर जो है कई बातें कर रहा है, लेकिन एक्चुअल रियलिटी जो है वो उसको सुनने के लिए कोई तैयार नहीं है, प्रशासन सुनने के लिए तैयार नहीं है। वो इसलिए है कि ये जो प्रशासनिक अधिकारी हैं सारे भ्रष्टाचार के जरिए जो है इस विश्वविद्यालय के अंदर पहुंचे हैं, जिन कुर्सियों के अंदर आज बैठे हैं, प्रो VC देख लीजिए आप, VC देख लीजिए और आप DS देख लीजिए, इनकी कुर्सियां जो है ये बची ही भ्रष्टाचार के चलते हैं और भ्रष्टाचार के अंदर सहारा इन्होंने जो है सरकारों का लिया है, पहले BJP की सरकार का सहारा लिया है, अभी
भी जहां पहुंचे हैं, जो पहुंचे हैं, वो कांग्रेस सरकार के सहारे के चलते पहुंचे हैं और कांग्रेस सरकार के दबाव के चलते ही आज इस विश्वविद्यालय की स्वायत्तता को ख्याल में ना रखते हुए, इस विश्वविद्यालय की ऑटोनॉमी को जो है ताक पर रखते हुए जो फैसला लिया जा रहा है और वापिस भी इसलिए नहीं कर पा रहे हैं, अपनी नेग्लिजेंस जानते हैं, अपनी गलतियां सारी जानते हैं कि हमने ये एक्सपल्शन जो है इलीगली की है, लेकिन उसके बावजूद भी आज जो है सरकार के दबाव में आकर जो इस एक्सपल्शन को रिपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं। ये सबसे बड़ा मुद्दा है कि आज जो है ऑटोनॉमी को ध्यान में ना रखकर विश्वविद्यालय जो है सरकार के दबाव में आकर काम कर रहा है, छात्रों के भविष्य को ख्याल में नहीं रख रहा है और सरकार जिस तरह से इनको चलाने की कोशिश कर रही है, एज इट इज वैसे ही चलने की कोशिश कर रहे हैं, इसका ऐसे भाई विरोध कर रही है और जल्द से जल्द जो है छात्रों के एक्सपल्शन को बहाल करने की बात कर रही है ताकि छात्र परीक्षा के अंदर भी बैठ सके और जो परीक्षाएं छूटी है अभी तक छात्रों की उनको जो है आने वाले समय के अंदर स्पेशल चांसेस के अंदर दिया जाए ताकि वो अपनी इन परीक्षाओं को पूरा कर सके और उसका कोई भी सत्र जो है ऐसा ना जाए जिसमें उसको जल्द से जल्द जो है छात्रों के एक्सपल्शन को बहाल करने की बात कर रही है ताकि छात्र परीक्षा के अंदर भी बैठ सके और जो परीक्षाएं छूटी है अभी तक छात्रों की उनको जो है आने वाले समय के अंदर स्पेशल चांसेस के अंदर दिया जाए ताकि वो अपनी इन परीक्षाओं को पूरा कर सके और उसका कोई भी सत्र जो है ऐसा ना जाए जिसमें उसको जो डिस्टर्बेंस हो और उसके परीक्षा परिणाम के अंदर कोई जो है इरेगुलरिटी आने वाले समय के अंदर आए, ये एसएफआई मांग कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, शिमला।